सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि के राशिफल के बारे में। दिनांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगस्त के लिए वीडियो पूरा देखें और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। दूसरों की मदद जरूर करें, इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। किसी लंबी अवधि के प्रोजेक्ट में आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आगे आपको फायदा होगा। हालांकि इन दिनों आपको लेन देन के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने व्यवहार में हर तरह से पारदर्शिता रखनी होगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। वैसे इस समय उनमें एकाग्रता का अभाव रहने वाला है। परिवार और संबंधों की बात करें तो परिजनों के साथ कोई पुराना विवाद उभर सकता है। आपको अपने व्यवहार में पूरी तरह पारदर्शिता रखने की ज़रूरत है। घर में किसी मित्र या स्नेहजनों के आने से आपको खुशी महसूस होगी। सगे संबंधियों और मित्रों के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थता हो सकती है। हालांकि इन दिनों के दूसरे चरण में आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। पूजा पाठ में ध्यान लगाने से मन स्वस्थ रहेगा। हालांकि इन दिनों के अंत में फिर से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इन दिनों आप अपने पराक्रम को और अधिक बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। आप धीरे धीरे लोगों से संपर्क बढ़ाते हुए अपने कामों को और तेजी से करने में लगे रहेंगे। हालांकि आपको इन दिनों के पहले भाग में इस हेतु अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी, किंतु इस दौरान आपको अपने घर की चिंता निजी और तौर पर बनी रहेगी। सेहत में सांस व जुकाम की पीड़ाएं रहेंगी, जिससे आप कुछ और परेशान रहेंगे। हालांकि इन दिनों के दूसरे भाग से आपके कारोबारी जीवन में तेजी का दौर रहेगा, जिससे आप किए गए प्रयासों से उत्साहित रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो इन दिनों के दूसरे भाग तक आपके अधिकारों को और विस्तार देने पर चर्चाएँ रहेंगी। आप अपने कामों के प्रति समर्पित रहेंगे। इन दिनों आप घर के उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं को क्रम में रखेंगे, जिससे घर में साधनों के अभाव को दूर करने में मदद रहेगी। इन दिनों के अंतिम भाग में प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और एक शेयर जरूर करें। इस बार आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय माता दी।